friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the DST Recruitment 2019 Bihar. For filling up 1676 lecturer and assistant professor post, latest employment notification and tilde as DST Recruitment has been released by Department of Science and Technology, Bihar. So, contenders who are aged to secure their career in government sector and searching for jobs in Bihar can grab this opportunity by applying for DST Recruitment 2019 through online process from here in this video. So, now let's start the video by the overview. देखिए ओवरव्यू में मैं आपको सबसे पहले शो कर रही हूँ बिहार वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको शो होंगी. आपको स्क्रीन पर टेबल शो हो रहा है. देखिए नेम ऑफ द सब्जेक्ट और पोस्ट जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड है, जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, एंड द नंबर ऑफ बिहार डीएसटी वैकेंसीज कितनी रिक्वायर्ड होंगी. देखिए जो फर्स्ट रो शो कर रही है लेक्चर फॉर स्टेट पॉलिटेक्निक स्टेट वुमेन पॉलिटेक्निक जहां पर आपको चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स की 122 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं, फिजिक्स की 23 एंड मैथमेटिक्स की 39, मैकेनिक्स की 148 वैकेंसीज हैं, सिविलियन की 115 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 114 वैकेंसीज हैं, देन कंप्यूटर में 84 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इंग्लिश में 22 इंग्लिश लेक्चरर के लिए, इकोनॉमिक्स लेक्चरर के लिए 24 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है जो दूसरी पोस्ट रिक्वायर्ड है. यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर 285, वेरी गुड. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 145 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं. देन आता है सिविलियन, 304 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं. मैकेनिक्स में 251, सो टोटल 1676 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं. तो जो यहाँ पर वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है आप फिल कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स मांगे हैं उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी. नेक्स्ट देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है फॉर बिहार डीएसटी लेक्चरर रिक्रूटमेंट के लिए. अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो इन द इकोनॉमिक्स और एनईटी पास टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स अगेंस्ट लेक्चरर पोजीशंस. सो टू अप्लाई फॉर एनी अदर अप्लायर मस्ट फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग. जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी लेक्चरर की पोस्ट है जिसमें अगर कंप्यूटर रिक्वायर्ड है तो कंप्यूटर साइंस से आपको फर्स्ट क्लास में पास होना जरूरी है. कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट है जहां पे क्वालिफिकेशन है तो आपको वो करी होनी चाहिए, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन और फर्स्ट क्लास से आप पास होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, तभी आप उस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं. ये एलिजिबिलिटी है. सेकंड जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की, यहां पर आपके पास बीटेक एमई एमटेक इस तरह है तो यहां पर भी मास्टर्स रिक्वायर्ड है बट टेक में आ गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए. गेट पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स. सो आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, क्योंकि देखिए जो पोस्ट कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायर्ड है वो है प्रोफेसर और असिस्टेंट की, और इन दोनों ही पोस्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हायर होनी चाहिए. इसमें ये नहीं है कि आप लो क्वालिफाइड हैं तो आप एज अ टीचर जॉब कर लेंगे. नेक्स्ट देख लीजिए एज लिमिट. एज लिमिट देखिए क्या रखी गई है, आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 33 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इसके अलावा आपको डेट भी यहां पर दी है 1 मार्च 2019 तक आपकी एज 33 हो गई होनी चाहिए, मतलब यहां तक ठीक है. इससे आगे यानी अप्रैल में चला गया टाइमिंग पीरियड तो भी नहीं वो अवेलेबल होगा, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे. सो इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स. सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो क्या है, देखिए सिलेक्शन आपकी जो होगी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेट एंड गेट As decided by the experts of this reputed organization. Means की interview में देखिए qualification है, अगर आपने गेट का exam clear किया हुआ आपका क्या rank आया है तो वो चीजें बहुत important हैं, इसी के बेस पर है. और पूरी community पूरा जो organization एक committee बिठाती है वो आपका पूरा check करती है, जो भी आपका biodata होगा आपकी performance होगी उस बिहाफ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसेसर में कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, आपकी जो पोजीशन होगी ना गेट के एग्जाम में वही आपको इस पोस्ट के लिए आगे लेकर जा सकती है.
सैलरी डिटेल्स की बात करें तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए 40,000 पर मंथ सैलरी वॉज वेरी इम्प्रेसिव, सैलरी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 50,000 पर मंथ, तो क्वालिफिकेशन भी उसी हिसाब से मांगूंगी ना। नेक्स्ट देख लीजिए, वे टू अप्लाई फॉर बिहार डीएसटी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, कैसे आप अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, डिपार्टमेंटल इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड दैट इज www.dst.government.in। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हो। होम पेज पर आपको व्हाट्स न्यू टैब पर क्लिक करना है, जिसमें रिक्रूटमेंट टैब आ जाएगी उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। देन वहां पर आपको वो सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स, वो वाला जो पोर्शन होगा लिंक होगा। और उसके बाद उसका जो जॉब का आपको 1676 लेक्चर वाली पोस्ट है वो आप क्लिक करेंगे तो उसका सारा पीडीएफ खुल जाएगा कि क्या पोस्ट है, कहाँ कहाँ पर है, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल प्रॉपर सारा नोटिफिकेशन रीड करने के बाद आप आगे जाइए। आपको एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली, देन आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुलते ही आपको सारी अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ फिलअप करना होगा और जो फोटोकॉपीज आपको अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है या जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड देन आपको फाइनली आप सबमिट कर सकते हो सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म। तो ये आपका सबमिशन प्रोसेस तो इजी है, अब बस आपकी क्वालिफिकेशन है ना जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी हाईफाई क्वालिफाइड हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब है ये। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपकी अप्लाई करने की ऑनलाइन कब स्टार्ट है, 11th मार्च 2019 से स्टार्ट है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैकेंसी 31st मार्च 2019 अप टू 12 PM, यानी कि डेज आर वेरी रेयर, बहुत कम डेज हैं आपको अप्लाई करने में। सो विश यू गुड लक फॉर दिस एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट सेशन।